हेलो फ्रेंड्स, गुजरात पुलिस कॉन्स्टेबल तैयारी यूट्यूब चैनल में तमारु स्वागत है। आज वीडियो में आप 15 क्वेश्चन जुशु, तमारा जवाब के साचा पड़े तमें कॉमेंट बॉक्स में जानी सको। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करिए। लास्ट वीडियो में जो आप क्वेश्चन तो यो साचो जवाब थी जैसे छ, बराबर छ एन साचो जवाब थी जैसे। बहुत बधाई कॉमेंट पी थी तो छ साचो जवाब थी जैसे। बात करिए आज पहला क्वेश्चन की, तो कम्प्यूटर ने यूजर द्वारा जो प्राथमिक महिती आप शू कहमें बराबर। अपनी पुलिस कॉन्स्टेबल एक्जाम है एम कम्प्यूटर जो क्वेश्चन है पूछा है, 10-12 क्वेश्चन बराबर पूछी ले अथवा तो 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम तमें मानीने चालो। कारण के तमारे कॉन्स्टेबल बन्या पछी अमुक जे कॉन्स्टेबल छे एमने कम्प्यूटर पर पण बेसवू पड़े छे बराबर। तो एटला माटे कम्प्यूटर सिलेबस में राखवामां आवे छे अने कम्प्यूटरना क्वेश्चन तो फिक्स पूछाशे। तो कम्प्यूटरना क्वेश्चन तमारा माटे अगत्यना छे। एमां पण अमुक पार्ट्सना जे मेन नाम होय जेम के सीपीयू थई गयुं, रेम थई गयुं, रोम थई गयुं बराबर। तो आ रीतना पूरा नाम तमारुं HTML थई गयुं, आ बधा नाम तमारे तैयार करी देवाना छे। एमांथी एक तो पूछाशे। तो क्वेश्चन छे कम्प्यूटरना यूजर द्वारा जे प्राथमिक माहिती आपवामां आवे छे तेने शू कहेवामां आवे छे। पहलो ऑप्शन इंस्ट्रक्शन, बीजो ऑप्शन इन्फॉर्मेशन, तीजो ऑप्शन इनपुट ने चौथो ऑप्शन छे डेटा। साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर डी डेटा। कम्प्यूटर ने यूजर द्वारा जे प्राथमिक माहिती आपवामां आवे तेने शू कहेवामां आवे छे, डेटा कहेवामां आवे छे। वात करीए प्रश्न नंबर बे, कम्प्यूटरनो सौ प्रथम उपयोग कया क्षेत्रमां अने क्यारे थयो हतो बराबर। कया क्षेत्रमां अने क्यारे थयो हतो। पहलो ऑप्शन टपाल क्षेत्र 1948, बीजो ऑप्शन बैंकिंग क्षेत्र 1950, तीजो ऑप्शन हवामान क्षेत्र 1952 और चौथो ऑप्शन है संरक्षण क्षेत्र 1960। तो साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग क्षेत्र 1950 में कम्प्यूटर उपयोग थयो हतो। बात करिए प्रश्न नंबर त्रण, चार्ल्स बेबेज अनुक्रमे डिफरंट एंजीन अने एनालिटिकल एंजीन की शोध क्यारे करी थी बराबर। चार्ल्स बेबेजे अनुक्रमे डिफरंट एंजीन अने एनालिटिकल एंजीन की शोध क्यारे करी थी, 1922, 1923, 1882, 1933, 1945, 1934, 1822, 1833। तो तीजा प्रश्नों साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर डी एट्ले कि 1822 में डिफरंट एंजीन और एनालिटिकल एंजीन की शोध 1833 में चार्ल्स बेबेजे करी थी। बात करिए प्रश्न नंबर चार, इंडियन आईपीसी एट्ले कि इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता बराबर। तो अँ एक क्वेश्चन में त्रण माहिती तमने मळे छे, आम तो तमने खबर ज हशे आईपीसी नू आ नाम ने बधुं छे। जेम के आईपीसी नू इंग्लिश में नाम कहीए तो इंडियन पिनल कोड अने गुजराती में कहीए तो भारतीय दंड संहिता। नी रचना करनार लॉर्ड थॉमस बेबिल्टन मेकॉल बराबर। आ नाम पण पूरू याद कर लेजो, लॉर्ड थॉमस बेबिल्टन मेकॉल कया देशना वतनी हता? ऑप्शन फ्रांस, जापान, इटली अने ब्रिटन। तो साचो जवाब थी जैसे आ प्रश्न ऑप्शन नंबर डी ब्रिटन बराबर। क्या देश वतनी था? लॉर्ड थॉमस मेकॉले बराबर, अथवा तो लॉर्ड थॉमस बेबिल्टन मेकॉले कहेवामां आवे छे, लॉर्ड मेकॉले कहेवामां आवे छे ब्रिटन ना वतनी था। बात करिए प्रश्न नंबर पांच, कम्प्यूटर की प्रथम पेढ़ी में डेटा स्टोर करने शेनो उपयोग थतो हतो बराबर। कम्प्यूटर की प्रथम पेढ़ी में डेटा स्टोर करने पहला ऑप्शन वेक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका, बीजो ऑप्शन पंचकार्ड, तीजो ऑप्शन मधरबोर्ड ने चौथो ऑप्शन है उपरना त्रणे। तो पांचमा प्रश्न नो साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर बी पंचकार्ड। साचो जवाब शुं थई जशे? ऑप्शन नंबर बी पंचकार्ड बराबर। आजकल आपणे मोबाइलनो यूज करीए छीए तो मधरबोर्ड नाम पण आपणे सांभळ्युं छे, तो आनो साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर बी पंचकार्ड। प्रश्न नंबर छ, पंचकार्डनी शोध कोणे करी हती बराबर। पंचकार्डनी शोध कोणे करी हती? पहेलो ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, बीजो ऑप्शन टीम बर्नर्स-ली, त्रीजो ऑप्शन हार्मन हॉलरिथ अने चौथो ऑप्शन छे जेक किल्बी। तो छठा प्रश्नों साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर सी हर्मन हॉलरिथ बराबर। साचो जवाब शू थी जैसे? हर्मन हॉलरिथ आ साचो जवाब थी जैसे। बात करिए प्रश्न नंबर सात, कई पेढ़ीना कम्प्यूटर में एक वक्त प्रोग्राम लख्या पछी सुधारा वधारा थी सकता नहता बराबर। एक वक्त प्रोग्राम लख्या पछी सुधारा वधारा नहता थता। पहला ऑप्शन चौथी, बीजो ऑप्शन त्रीजी, तीजो ऑप्शन बीजी ने चौथो ऑप्शन है पहली। तो सातमा प्रश्नों साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर सी बराबर। सॉरी, सातमा प्रश्न साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर डी थे। डी आ साचो जवाब थी जैसे कि पहली पेढ़ीना जो कम्प्यूटर था अमे एक वक्त प्रोग्राम लखाई गयो पछी एमां सुधारा वधारा थई सकता न हता। बात करिए प्रश्न नंबर आठ, आईबीएम एटले के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बराबर कंपनी की स्थापना क्यारे थई अने तेनुं मुख्य मथक क्यूँ बराबर। आईबीएम की स्थापना क्यारे थई अने तेनुं मुख्य मथक क्यूँ? ऑप्शन 1998 में कैलिफोर्निया में, बीजो ऑप्शन 2004 में वॉशिंग्टन में, तीजो ऑप्शन 1911 में अमेरिका में, चौथो ऑप्शन है 1975 यूके में। यूके एटले कि यूनाइटेड
किंगडम। बराबर, तो आठवां प्रश्नों साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर सी 1911 अमेरिका में, साचो जवाब शू थी जैसे 1911 अमेरिका में एनी स्थापना थी, मुख्य मथक क्यू है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। आईबीएम कंपनी ना स्थापक कौन है, बराबर एज रिलेटेड एना ज रिलेटेड क्वेश्चन है। आईबीएम नु पूरु नाम पण आपणे जोयुं, आईबीएम कंपनी ना स्थापक कौन हता, पहला ऑप्शन विजय भाटकर, बीजो ऑप्शन अजय भट्ट, त्रीजो ऑप्शन हरमन हॉलरीत, चौथो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो नवमा प्रश्न ना साचो जवाब थी जैसे ऑप्शन नंबर सी हरमन हॉलरीत, आचो जवाब थी जैसे। बात नवमो क्वेश्चन डबल वार है। प्रश्न नंबर 10 नैतिक विकासनी त्रण कक्षाओ कोणे दर्शाई, बराबर नैतिक विकासनी त्रण कक्षाओ कोणे दर्शाई, पियोजे, एरिक्सने, कोलबर्गे अने फ्रॉइडे। तो साचो जवाब थई जशे प्रश्न नंबर 10 नो ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ग, साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ग, आनो साचो जवाब थई जशे। बात करिए प्रश्न नंबर 11 अणु અને ઉત્પત્તિનું વિશ્લેષણ કરતા શાસ્ત્રને શું કહેવામાં આવે છે, અણુ અને ઉત્પત્તિનું વિશ્લેષણ કરતા શાસ્ત્રને શું કહેવામાં આવે છે, ફોનેટિક્સ, જીનેટિક્સ, ઓપ્ટિક્સ ને કોસ્મોલોજી। તો 11માં પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થઈ જશે ઓપ્શન નંબર બી જીનેટિક્સ, બરાબર સાચો જવાબ શું થઈ જશે ઓપ્શન નંબર બી જીનેટિક્સ, આનો સાચો જવાબ થઈ જશે। વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 12 કોસ્મોલોજી કોને કહેવામાં આવે છે, બરાબર કોસ્મોલોજી કોને કહેવામાં આવે છે, પહેલો ઓપ્શન બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ, બીજો ઓપ્શન જુદા જુદા ઔષધોનો વિકાસ, ત્રીજો ઓપ્શન શરીરના સૂક્ષ્મ ઘટક કોષોનો અભ્યાસ, અને ઓપ્શન નંબર ડી છે એક પણ નહીં। તો 12માં પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થઈ જશે અહીંયા ઓપ્શન નંબર ઈ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ એનો જે અભ્યાસ છે એને બરાબર શું કહેવામાં આવે છે કોસ્મોલોજી કહેવામાં આવે છે। વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 13 વિશ્વ કેન્સર દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે, બરાબર વિશ્વ કેન્સર દિવસ 4 માર્ચ, 24 ફેબ્રુઆરી, 3 ડિસેમ્બર અને 4 ફેબ્રુઆરી। તો 13માં પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થઈ જશે ઓપ્શન નંબર ડી 4 ફેબ્રુઆરી, સાચો જવાબ શું થઈ જશે 4 ફેબ્રુઆરી, આનો સાચો જવાબ થઈ જશે। વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 14 રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે, બરાબર રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે, પહેલો ઓપ્શન 28 ફેબ્રુઆરી, બીજો ઓપ્શન 11 મે, ત્રીજો ઓપ્શન 22 મે અને ચોથો ઓપ્શન છે 14 ઓક્ટોબર। તો 14માં પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થઈ જશે ઓપ્શન નંબર બી 11 મે, બરાબર રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે 11 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 15 આરએનએ એટલે કે રિબોન્યુક્લિક એસિડની શોધ કોણે કરી હતી, બરાબર આરએનએનું પૂરું નામ પણ અહીંયા તમને રિબોન્યુક્લિક એસિડ ઇંગ્લિશમાં જોઈ લેજો, એક્ઝેક્ટલી આરએનએ લખશો એટલે મળી જશે, રિબોન્યુક્લિક એસિડની શોધ કોણે કરી હતી, પહેલો ઓપ્શન વોટસન અને ક્રિક, બીજો ઓપ્શન કાર્લ લેન્ડસ્ટીનર, બીજો ઓપ્શન વોટસન અને આર્થર અને ચોથો ઓપ્શન છે એક પણ નહીં। તો 15માં પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થઈ જશે ઓપ્શન નંબર સી વોટસન અને આર્થરે આરએનએની શોધ કરી હતી। તો આ રીતના તો ડીએનએનું પૂરું નામ શું છે એ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે, બરાબર આરએનએનું તો અહીંયા આપેલું છે, ડીએનએનું પૂરું નામ શું છે એ તમારે સાથ બરાબર જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે। તો આજના વિડીયોમાં ફક્ત આટલું જ છે, મળીને આ વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।